हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ पाठक। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आरबीसी इंडिसेस के बारे में। राइट, आरबीसी इंडिसेस, INDICES। दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा MCH, MCV, MCHC और RDW के बारे में। दोस्तों, आप सभी ने एक टेस्ट जरूर करवाया होगा, कंप्लीट ब्लड काउंट, इसे कहते हैं CBC। कोई भी डॉक्टर जब ब्लड टेस्ट लिखता है तो CBC जरूर लिखता है। राइट, CBC में MCH, MCV, MCHC जरूर उसमें लिखा रहता है, इसकी वैल्यूज लिखी रहती हैं। राइट, दोस्तों आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा MCH, MCV, MCHC और RDW क्या है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले RBC, रेड ब्लड सेल। दोस्तों RBC की साइज 7 to 8 माइक्रॉन्स होती है। RBC का शेप बाई कनकेव होता है। RBC की लाइफ स्पैन 120 डेज होती है और पेरीफेरल स्मियर में RBC का सेंट्रल 1/3 पैलर देखा जा सकता है। पेरीफेरल स्मियर में RBC का 1/3 सेंट्रल 1/3 पैलर देखा जा सकता है। दोस्तों RBC की शेप बाई कनकेव होती है एक प्रोटीन के कारण जिसका नाम है स्पेक्ट्रिन, SPECTRIN, स्पेक्ट्रिन। स्पेक्ट्रिन पेरीफेरल प्रोटीन है। राइट, दोस्तों जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो हीमोपोएटिक स्टेम सेल से बनती हैं, तो RBC भी हीमोपोएटिक स्टेम सेल से बनती है। चलिए जानते हैं ये कैसे शुरू होता है। पहले होता है हीमोपोएटिक स्टेम सेल, उससे बनता है कॉमन माइलॉयड प्रोजेनिटर। कॉमन माइलॉयड प्रोजेनिटर से बनता है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से बनता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट से बनता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट से बनता है लेट नॉर्मोब्लास्ट से बनता है रेटिकुलोसाइट से बनता है RBC। राइट, दोस्तों नॉर्मोब्लास्ट का मतलब होता है NORMOBLAST, नॉर्मोब्लास्ट का मतलब होता है इमैच्योर न्यूक्लिएटेड आरबीसी नॉर्मोब्लास्ट का मतलब होता है। राइट, दोस्तों अर्ली नॉर्मोब्लास्ट को बेजोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट भी कहते हैं। बेजोफिलिक का मतलब होता है ब्लूइश इन कलर। राइट, दोस्तों इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट को कहते हैं पॉलीक्रोमैटिक का मतलब होता है पिंक ब्लूइश इन कलर। राइट, और दोस्तों लेट नॉर्मोब्लास्ट को कहते हैं ऑर्थोक्रोमिक का मतलब होता है लाइट पेल येल्लोविश व्हाइटिश इन कलर। राइट, दोस्तों रेटिकुलोसाइट में और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होती हैं। रेटिकुलोसाइट और RBCs नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। एक्सट्रूजन ऑफ न्यूक्लियस लेट नॉर्मोब्लास्ट से हो जाता है। राइट, दोस्तों हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन शुरू होता है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में, लेकिन हीमोग्लोबिन दिखना शुरू होता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट से। राइट, अब दोस्तों आते हैं, डिस्कशन करते हैं रेटिकुलोसाइट के बारे में। राइट, दोस्तों रेटिकुलोसाइट को प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी कहते हैं। प्रिकर्सर का मतलब जिससे आरबीसी बन रहा है, यानी जिससे कोई चीज बनता है उसे प्रिकर्सर कहते हैं। तो आरबीसी रेटिकुलोसाइट से बन रही है तो रेटिकुलोसाइट को प्रिकर्सर बोला जाएगा। राइट, प्रिकर्सर, PRECURSOR, प्रिकर्सर। तो रेटिकुलोसाइट प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी है। रेटिकुलोसाइट नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस नहीं होती है। रेटिकुलोसाइट को रेटिकुलोसाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रेटिकुलर मेशवर्क होता है आरएनए का। दे हैव रेटिकुलर मेशवर्क ऑफ आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइट, दोस्तों रेटिकुलोसाइट से आरबीसी बनने में अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 डेज लगते हैं।
एक से दो दिन लगते हैं, रेटिकुलोसाइट से आरबीसी बनने में एक से दो दिन लगते हैं। दोस्तों रेटिकुलोसाइट का जो नॉर्मल रेंज होता है वो है 0.5 to 1.5 से लेकर 1.5% रेटिकुलोसाइट का उनको परसेंटेज में लिखते हैं, राइट। दोस्तों रोमेनोस्की स्टेन पर ROMANOWSKY रोमेनोस्की स्टेन पर पॉलीक्रोमेशिया शो करता है रेटिकुलोसाइट। पॉलीक्रोमेशिया मतलब पिंक ब्लूश इन कलर, राइट। दोस्तों रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए स्पेशल स्टेन होती हैं जिसे कहते हैं सुप्रा वाइटल स्टेन। उनके उदाहरण हैं न्यू मिथाइलिन ब्लू, ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू। दोस्तों महत्वपूर्ण चीज ये है कि रेटिकुलोसाइट काउंट किस कंडीशन में बढ़ता है और किस कंडीशन में घटता है। दोस्तों रेटिकुलोसाइट काउंट किस कंडीशन में बढ़ता है, पहला अक्यूट ब्लड लॉस, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ तो उसमें अक्यूट ब्लड लॉस हो सकता है, उसमें रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ जाता है, राइट। दूसरा है हीमोलाइटिक अनीमिया। दोस्तों हीमोलाइटिक अनीमिया का मतलब होता है जिसमें एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल होता है। हीमोलाइटिक अनीमिया का मतलब एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, इसे हीमोलाइटिक अनीमिया कहते हैं, राइट। तो अक्यूट ब्लड लॉस, हीमोलाइटिक अनीमिया और एज रेस्पॉन्स टू थेरेपी इन आयरन वाइटमिन B12 फोलेट डिफिशियंसी अनीमिया। आयरन वाइटमिन B12 और फोलेट डिफिशियंसी अनीमिया का जो हम थेरेपी देते हैं उसके रेस्पॉन्स में भी इंक्रीज हो सकता है रेटिकुलोसाइट काउंट। दोस्तों फोलेट जो होता है, फोलिक एसिड कहते हैं, ये जो ग्रीन पत्ते होते हैं, हरी पत्तियां होती हैं उनमें पाया जाता है। फोलेट आया है फोलिया से, फोलिया मतलब होता है लीफ, राइट। जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें फोलिक एसिड या फोलेट पाया जाता है, राइट। अब दोस्तों आते हैं किन कंडीशन में रेटिकुलोसाइट काउंट घटता है। रेटिकुलोसाइट काउंट घटता है ए प्लास्टिक अनीमिया, ए प्लेजिया से लिया गया है जिसका मतलब होता है जनरलाइज्ड बोन मैरो सप्रेशन। ए प्लास्टिक अनीमिया में रेडिएशन में, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स में। दोस्तों साइटोटॉक्सिक ड्रग्स का मतलब होता है वो ड्रग्स जो सेल का डिस्ट्रक्शन करती है, वो ड्रग्स जो कोशिका का डिस्ट्रक्शन करती है उसे कहते हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। और बोन मैरो सप्रेशन, ए प्लास्टिक अनीमिया, रेडिएशन, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एंड बोन मैरो सप्रेशन में रेटिकुलोसाइट काउंट घट जाता है, राइट। अब दोस्तों आते हैं आरबीसी इंडाइसिस पर। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं एमसीवी के बारे में। एमसीवी का फुल फॉर्म है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज। एमसीवी का फॉर्मूला है PCV upon RBC। पीसीवी का मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम अपॉन रेड ब्लड सेल, राइट, PCV upon RBC। दोस्तों एमसीवी की जो नॉर्मल रेंज होती है वो है 82 से लेकर के 96 फेमटोलीटर FL, 82 से 96 फेमटोलीटर। लेकिन पॉपुलरली इसे अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं 80 से 100 फेमटोलीटर, राइट। दोस्तों एमसीबी का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, राइट। दोस्तों एमसीबी तीन प्रकार के अनीमिया के बारे में बताता है। पहला माइक्रोसिटिक अनीमिया, दूसरा नॉर्मोसिटिक अनीमिया, तीसरा मैक्रोसिटिक अनीमिया। माइक्रोसिटिक का मतलब हुआ माइक्रो मींस छोटा, सिटिक मतलब सेल, तो माइक्रोसिटिक। मैक्रोसिटिक मतलब हुआ मैक्रो मींस बड़ा, सिटिक मतलब सेल, मैक्रोसिटिक। नॉर्मोसिटिक मतलब नॉर्मल मींस नॉर्मल और सिटिक मतलब सेल, तो माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक, मैक्रोसिटिक, राइट। दोस्तों माइक्रोसिटिक अनीमिया के बारे में बात करते हैं। जब एमसीवी का वैल्यू लेस देन 80 फेमटोलीटर होगा, जब एमसीवी की वैल्यू लेस देन 80 फेमटोलीटर होगी तो दोस्तों उस कंडीशन को कहते हैं माइक्रोसिटिक अनीमिया, राइट। और जब एमसीवी की वैल्यू ग्रेटर देन 100 फेमटोलीटर होगी तो उसे कहेंगे मैक्रोसिटिक अनीमिया। और जब एमसीवी की वैल्यू 80 से 100 फेमटोलीटर के बीच में होगी तो उसे कहेंगे नॉर्मोसिटिक अनीमिया।
कारण पे आते हैं। माइक्रोसिटिक अनीमिया के क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण है सिडेरोब्लास्टिक अनीमिया। सिडेरो SIDEROBLASTIC सिडेरोब्लास्टिक अनीमिया, राइट, लेड पॉइजनिंग में होती है ये, लेड पॉइजनिंग में, राइट, जनरली लेड पॉइजनिंग में होती है सिडेरोब्लास्टिक अनीमिया। दूसरा है आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। तीसरा है दोस्तों थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। चौथा है अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। अब आते हैं नॉर्मोसिटिक अनीमिया पर। नॉर्मोसिटिक अनीमिया के कारण है एप्लास्टिक अनीमिया, क्रोनिक रीनल फेल्योर, रीनल मतलब किडनी, क्रोनिक रीनल फेल्योर, हीमोलाइटिक अनीमिया, हीमोलाइटिक के बारे में मैंने बताया, हीमोलाइटिक अनीमिया जिसमें एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन आरबीसीज होता है। फिर है अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। फिर है PNH, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। पैरोक्सिस्मल का मतलब होता है कि रिपीटेडली होना और विदाउट वार्निंग होना, रिपीटेडली होना और विदाउट वार्निंग होना, ये पैरोक्सिस्मल का मतलब होता है। तो पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, राइट। अब दोस्तों आते हैं MCH के बारे में, राइट। MCH का मतलब होता है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। इसका अर्थ क्या हुआ कि एवरेज हीमोग्लोबिन इन द सिंगल रेड ब्लड सेल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, MCH का मतलब हुआ एवरेज हीमोग्लोबिन, एवरेज हीमोग्लोबिन इन द सिंगल रेड ब्लड सेल, राइट। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है हीमोग्लोबिन अपॉन आरबीसी काउंट। MCH का फॉर्मूला है हीमोग्लोबिन अपॉन आरबीसी काउंट, राइट। दोस्तों MCH की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 27 से 32 पिकोग्राम, 27 से 32 पिकोग्राम PG, राइट। दोस्तों इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये दो प्रकार के अनीमिया को बताता है, नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया, हाइपोक्रोमिक अनीमिया। नॉर्मो मीन्स नॉर्मल, क्रोमिक क्रोमा से लिया गया है, क्रोमा CHROMA, क्रोमा, क्रोमा मतलब होता है कलर, राइट। और हाइपोक्रोमिक, हाइपो मीन्स लो, क्रोमिक क्रोमा से लिया गया है CHROMA, क्रोमा से लिया गया है, क्रोमा मीन्स कलर, राइट। तो नॉर्मोक्रोमिक में नॉर्मल कलर होगा, हाइपोक्रोमिक में लो कलर होगा, राइट, लाल कम होगा, इसका मतलब ये हुआ हाइपोक्रोमिक मतलब कम लाल होगा, राइट। दोस्तों नॉर्मोक्रोमिक कब कहेंगे, नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया कब कब कहेंगे, जब MCH की वैल्यू 27 से 32 पिकोग्राम के बीच में होगी, राइट। और हाइपोक्रोमिक का मतलब जब MCH की वैल्यू लेस देन 27 पिकोग्राम है, राइट। अब दोस्तों बात करते हैं MCHC पर। MCHC का फुल फॉर्म है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, राइट। इसके क्या माने हैं, इसका क्या अर्थ है? दोस्तों हीमोग्लोबिन इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ पैक्ड रेड सेल, हीमोग्लोबिन इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ पैक्ड रेड सेल, राइट। इसका फॉर्मूला होता है, MCHC का फॉर्मूला है MCH अपॉन MCV। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 33 से 37 ग्राम्स पर डीएल। क्या बोला मैंने? 33 से 37 ग्राम्स पर डीएल, राइट। दोस्तों इसका सिग्निफिकेंस क्या है? दोस्तों हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस एंकाइरिन नाम के प्रोटीन में म्यूटेशन होने के कारण होती है, ANKYRIN, एंकाइरिन नाम की प्रोटीन होती है जो कि पेरिफेरल प्रोटीन है, आरबीसी में पाई जाती है। एंकाइरिन में म्यूटेशन होने से हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस होता है। दोस्तों हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में MCHC की वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन के कारण वाटर लॉस होता है, डिहाइड्रेशन के कारण वाटर लॉस होता है, और जो आपका हीमोग्लोबिन है वो एक स्फीयर में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, स्फीयर में, जिसके कारण MCHC बढ़ जाती है, राइट। और दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में
इसकी वैल्यू नॉर्मल रहती है। इसका रीजन ये है कि इंक्रीज इन द वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनेट टू द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, राइट। जो इंक्रीज इन वॉल्यूम होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनेट होता है टू द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। इसलिए मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में MCSC की वैल्यू नॉर्मल होती है, राइट। अब दोस्तों बात करते हैं रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ के बारे में। आपको ये भी टेस्ट में दिख जाएगा RDW, इसका परसेंटेज लिखा होगा कि आपका RDW इतना है, राइट। RDW होता है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ। दोस्तों ये बेसिकली क्या बताता है, मतलब RDW से आप क्या समझ रहे हैं। RDW बेसिकली ये बताता है कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेड सेल साइज या डिग्री ऑफ एन आइसोसाइटोसिस। दोस्तों इसका अर्थ ये हुआ, एन आइसोसाइटोसिस का मतलब होता है वेरिएशन इन सेल साइज, सेल के साइज में, साइज में कितना वेरिएशन है उसे कहते हैं एन आइसोसाइटोसिस, ANNISOCYTOSIS, एन आइसोसाइटोसिस कहते हैं, राइट। और अगर शेप में वेरिएशन है, वेरिएशन इन शेप है, तो उसे पॉइकिलो, POIKILOCYTOSIS, पॉइकिलोसाइटोसिस कहते हैं, राइट। तो दोस्तों RDW जो है वह डिग्री ऑफ एन आई कोफिशियंट ऑफ डिग्री ऑफ एन आइसोसाइटोसिस, या कह सकते हैं कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन रेड सेल साइज दिखाता है, राइट। RDW की नॉर्मल रेंज होती है 11.5 से 14.5%, ये भी परसेंट में होती है। क्या बोला मैंने, 11.5 से 14.5%, राइट। दोस्तों RDW का एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या, इंडिकेटर हो गया कि वो इंडिकेट कर रहा है कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन रेड सेल साइज या आपका डिग्री ऑफ एनाइसोसाइटोसिस, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो तो इंडिकेटर हो गया, ठीक। सिग्निफिकेंस ये है कि ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को थैलेसीमिया से डिफ्रेंशिएट करता है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में RDW की वैल्यू बढ़ जाती है, RDW की वैल्यू बढ़ जाती है और थैलेसीमिया में लगभग नॉर्मल रहती है, राइट। तो RDW इंडिकेटर है एन आइसोसाइटोसिस का, डिग्री ऑफ एन आइसोसाइटोसिस यानी वेरिएशन इन सेल साइज। और दोस्तों सिग्निफिकेंस ये है कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को थैलेसीमिया से डिफ्रेंशिएट करता है। RDW आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में बढ़ जाती है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में बढ़ जाती है, राइट, और थैलेसीमिया में नॉर्मल रहती है। तो दोस्तों मैंने आप सभी को RBC इंडाइसेस के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया है और आप जब भी आगे टेस्ट करवाएंगे CBC आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी, राइट। तो दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।